हिंदुत्वादी मनणारा या शिवसेनेच्या सरकारचा, जातीयवादी संघटनेला मदत करणारा या तिघाडी सरकारचा, हिंदुत्ववादी संघटनेवर अन्याय करणाऱ्या या सरकारचा, त्रिपुरा में जो वाकया हुआ उसके सिलसिले में अमरावती में 12 तारीख को कुछ जातीयवादी संगठनों ने जो दंगल भिड़ाई थी, जो दंगल हुई उस दिन, उसके विरोध में 13 तारीख को हिंदुत्ववादी संगठन सभी एक साथ आके शहर में शांतता किया जाए ऐसा ऐलान करते हुए शहर में घूम रहे थे। उस समय में ये तिगाड़ी सरकार ने, प्रशासन ने उन संगठन के सभी पदाधिकारियों पे गुनाह दाखिल किया। ये बड़ी दुख की बात है कि जो शांतता प्रेमी लोग हैं उनके ऊपर गुनाह दाखिल करे जा रहा है, और जिन्होंने पहले दिन दंगल गड़ाई शहर में आंदोलन किया उनको ऊपर कोई भी प्रकार की एक्शन ली नहीं गए। तो हम यहाँ पे यही ये सरकार को, उन जो सोई हुई सरकार है उनको जागा करना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, उनको बोलना हमारा ये है कि किसी भी तरह से जो दंगल जिन्होंने गड़ाए उनके ऊपर गुनाह दाखिल करो, और जो मतलब जिन्होंने कुछ भी किया नहीं उनके ऊपर जो गुनाह दाखिल किया है वो ताबड़तोड़ उन्होंने वापस लेना चाहिए। ये सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आज हमने यहाँ पे निदर्शन किए है। हम उद्धव ठाकरे सरकार को जगाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे आज वहाँ पे इतनी बड़ी दंगल हुई, ना होम मिनिस्टर गए, ना राज्य मंत्री गए, ना पालक मंत्री गए, कोई भी नहीं गए दंगल हुई तो, और भाजपा के नेता वहाँ पे जाके शांतता क्यों कर रहे थे, उन सभी के ऊपर गुनाह दाखिल करने का। शिवसेना आरोप कर रही है आपके ऊपर, क्या शिवसेना ये आरोप कर रही है कि महाराष्ट्र में दंगल भड़काने की साजिश कर रही है? कोई दंगल भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे, दंगल भड़काने के काम ये सब शिवसेना करते आती है आज तक उनका। आपको अगर पुराना इतिहास देख लो तो शिवसेना आज तक इस तरीके से काम करती है। हमने शांतता प्रेमी, हमारा जो 13 तारीख को जो मोर्चा निकला था वो शांतता, लोगों को शांत करने के लिए, लोगों को अपने अपने दुकान खोल के उस गाँव में व्यापार फिर से सही तरीके से हुए इसकी कोशिश कर रहे थे। सरकार।